सब्सक्राइब करें QCL को बेहतरीन और निश्चित लाभ के लिए, प्रेस कर लें बेल नोटिफिकेशन को ताकि आपको हर वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको निश्चित ही लाभ होगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखेंगे तो जो जानकारी आपको डिलीवर की जा रही है वो पूरी मिलेगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि यस, पूरा देखने के बाद जब वीडियो ख़त्म पर है तो तब उसे लाइक कर दीजिए, या लाइक करके आप लाइक कर दिया है तो उसको पूरा देखिए, है ना। क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है मेहनत का। और अच्छे कमेंट भी सेंड कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने लेवल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अभी नेक्स्ट पहला क्वेश्चन लेती हूँ। हाँ, अभी 20 वर्षों से अधिक रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन सी महिला बनी है? तो मिताली राज। कौन बनी है? मिताली राज बनी है 20 वर्षों से अधिक रहने वाली महिला, जो 20 वर्षों से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जिन्होंने काम किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टिकने वाली, रहने वाली 20 वर्षों से अधिक वाली महिला हो गई हैं मिताली राज। मिताली राज का नाम आपने खूब सुना होगा, है ना। और मिताली राज जो हैं वो क्या, उन्होंने क्रिकेट मतलब जो टीम है भारतीय अपनी क्रिकेट टीम, उसकी अध्यक्ष भी हैं, वो सॉरी कैप्टन हैं, माफ़ कीजिए, अध्यक्ष नहीं कैप्टन भी हैं क्रिकेट टीम की। और इन्होंने 20 वर्षों से ज़्यादा का समय अभी तक व्यतीत कर लिया है कहाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई इन द स्काई नामक सर्विस किसने अभी लॉन्च की है? तो आई इन द स्काई नामक सर्विस अभी लॉन्च की है किसने? ये लॉन्च की है मद्रास IIT के छात्रों ने। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ये आई इन द स्काई नामक सर्विस जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये किसने लॉन्च की है? मद्रास यानी चेन्नई IIT, अभी तक उसको मद्रास IIT भी कहते हैं, हालांकि बदल के नाम चेन्नई हो गया है, के छात्रों ने। अब ये क्या है, जो आपदा में लोग फंसे होते हैं आपदा क्षेत्रों में, तो उनकी लोकेशन के लिए और उनकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए, तो क्या उनकी लोकेशन और उनकी इंफॉर्मेशन के लिए ये लॉन्च की गई है क्या, आई इन द स्काई योजना यानी सर्विस, आई इन द स्काई सर्विस इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में अभी मछुआरों के प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए कौन सी एक सर्विस लॉन्च की गई है? तो यह है गेमिनी, GEMINI। क्या? GEMINI। ये क्या होगा, एक बॉक्स होगा और उसमें एक एंटीना लगा होगा। क्या लगा होगा? एक एंटीना लगा होगा, और इस एंटीने का मतलब जो सिग्नल है वो इसरो के बॉक्स से कनेक्ट होगा। तो वो जब समुद्र पे जाएंगे, समुद्रों पर जगह जगह जहाँ जहाँ मछलियाँ पकड़ते हैं, वहाँ जैसे ही कोई ख़तरा होगा, जैसे ही कोई आपदा का मतलब संकट का कोई मतलब पता चलेगा, तो उनको उस GEMINI बॉक्स के तहत पता चल जाएगा। तो ये मछुआरों के मतलब प्रोटेक्शन और उनको खतरे से बचाने के लिए लॉन्च किया गया है। इसका नाम याद रखना है, किसके लिए? मछुआरों के लिए। क्या नाम है इसका? GEMINI। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी पहला, भारत का पहला गार्बेज कैफे कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मैंने आपको जब इसकी घोषणा ही हुई थी सिर्फ, तब भी मैंने आपको ये बताया था, ये स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ के जो वो है गार्बेज कैफे छत्तीसगढ़ का, जो अंबिकापुर है, अंबिकापुर में ये स्थापित किया गया है। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। अब रायपुर से एक बात और समझ में आती है कि नया रायपुर एक और था जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, अटल नगर। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। तो वो नया रायपुर यानी अटल नगर, उसकी कैपिटल क्या है? रायपुर। भूपेश बघेल है उसके मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, और गवर्नर है अनुसुईया उइके, अनुसुईया
के। अब ये जो पहला गार्बेज कैफे खुला है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं, इसके बारे में ये है कि ये जो गार्बेज कैफे है, इसमें अगर कोई व्यक्ति 1 किलोग्राम कूड़ा बीन कर लाता है ना, तो जब 1 किलोग्राम कूड़ा वो बीन कर गार्बेज कैफे में जमा करेगा, तो उसको एक समय का भोजन यानी एक वक्त का खाना दिया जाएगा। और अगर कोई आधा किलोग्राम गार्बेज जमा करके, कूड़ा जमा करके कचरा देगा गार्बेज कैफे में, तो उसको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। अच्छा, ब्रेकफास्ट होता है कि ब्रेकफास्ट होता है? ब्रेकफास्ट होता है जी, जब रात से सुबह का ब्रेक तोड़ते हैं, और जब पहले हम सुबह सुबह करते हैं नाश्ता, तो वो होता है ब्रेकफास्ट, जिसको हम लोग आमतौर पे कहते हैं ब्रेकफास्ट। तो यही है गार्बेज कैफे, और जब इसकी घोषणा ही हुई थी तब भी मैंने आपको ये बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरिश्ते दिल के योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो फरिश्ते दिल के, सुनने से ही अच्छा लग रहा है, ये योजना शुरू की है दिल्ली सरकार ने। किसने? दिल्ली सरकार ने, अनिल बेजल जो है इसके गवर्नर हैं, मुख्यमंत्री वही आप सबके, हमारे, हम सबके प्यारे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्होंने कुछ काम बहुत अच्छे किए हैं जो मुझे बहुत पसंद आते हैं, है ना। जैसे कि आपको पता है मेट्रो बसेस का है, और डेंगू अभियान, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं उन्होंने। तो फरिश्ते दिल की जो योजना है, अब ये योजना है क्या, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे किसी का, तो लोग उसको उठा के ले जाने से भी इनकार कर देते हैं कि हम ले जाएंगे, और देखते भी नहीं है, पूछताछ होगी, परेशानियां आएंगी, कि लोग पूछताछ होगी, खर्चा होगा, बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स होती है, इस कारण रोड पे लोग पड़े रहते हैं। तो ये फरिश्ते दिल की योजना क्या है, इसके तहत जो व्यक्ति, जिसको हॉस्पिटल में एक्सीडेंट वाले पेशेंट को, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, अगर एडमिट करता है हॉस्पिटल हॉस्पिटल में, तो उस हॉस्पिटल में ना तो उससे कोई पूछताछ होगी, भाई आपने एडमिट करवा दिया, आपका मतलब क्या है, फरिश्ता है ना वो इंसान जिसने अपना समय निकाला और एडमिट करवा दिया, प्रवेश दिलवा दिया अस्पताल में। और जो इसमें क्या है, एक तो वो पूछताछ भी नहीं होगी, और बस मतलब एक तो नॉर्मल पूछताछ होती है कि भाई कहाँ पे आपको मिले, मगर इसके अलावा जो परेशान होते हैं ना लोग, कि भाई पुलिस के का भी मतलब पुलिस इतनी पूछताछ करेगी, हम परेशान हो जाएंगे, हमारा समय बर्बाद होगा, ये सब, तो उन सारी वो सारी पूछताछ ऐसे तरीके की नहीं होंगी। दूसरी एक चीज़ ये होगी कि हॉस्पिटल का जो खर्च है, जहाँ से वो उठा कर ले गया है व्यक्ति, उस एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को, और हॉस्पिटल तक का, वहां से हॉस्पिटल तक पहुंचाने में जो खर्च आया है, वो कौन वहन करेगा? वो देगी दिल्ली सरकार, वो मतलब उठाएगी दिल्ली सरकार। यही है फरिश्ते दिल की इस योजना का नाम, याद रखिएगा। इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया गया था, कहाँ, 2017 में दिल्ली में, इसके योजना के तहत, फरिश्ते दिल की योजना के तहत 3,000 लोगों की जान अभी तक बचाई जा चुकी है। कितने लोगों की? 3,000 लोगों की जान बचाई जा चुकी है अभी तक। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसके अलावा अब जो है इसको पूरी तरह लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले एक चीज़, ये आपने तो ये सुना ही होगा कि मछुआरों को पकड़ लिया जाता है, डूब गए, और कोई मान लो बच मतलब कोई आपत वो आ गई, तूफान आ गया, किसी ने पकड़ लिया, हत्या कर दी, तो इन सारे खतरों से ही बचाने के लिए ना, ये GEMINI, ये क्या था, ये एक जो है बॉक्स में बताया आपको, बैटरी लगी होगी, और उसी में ये एंटीना होगा एक, और वो इसरो की सैटेलाइट से कनेक्ट होगा, ये तो बता दिया ना मैंने। और इसी तरह जो दिल्ली सरकार का बताया है, उसमें मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने चलाया है फरिश्ते दिल के, तो इसका बेसिकली टारगेट क्या है, कि जो किसी एक्सीडेंट जिसका हो गया है, ऐसे व्यक्ति को कोई हेल्प करेगा, बचाएगा, तो उसी को प्रोत्साहित करने के लिए है ये फरिश्ते दिल के योजना। जो हॉस्पिटल, वहां से ले जाने का हॉस्पिटल तक का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी, और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब फटाफट एक और क्वेश्चन लेते हैं। ऑर्डर ऑफ करेज से किसको सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ करेज से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ऑर्डर ऑफ करेज से निक हेग को।
किसको? निक हेक को ऑर्डर ऑफ करेज से सम्मानित किया गया है, ये ज़रूर याद रखिएगा, है ना। वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा ताकि हर इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत के हाई कमिश्नर और किस ऑस्ट्रेलिया में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये है अनमोला गितेश शर्मा है ये, इन्हीं को भारत की तरफ से हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। अब ये ऑस्ट्रेलिया की बात है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। स्कॉट मॉरिसन कौन है इसके जो है? वो है प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। और जो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी वो क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमेशा मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इसको कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है वो पूरे वर्ल्ड का। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली 80% पॉपुलेशन एवरी वीक स्पोर्ट्स में बिजी रहती है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में मुस्लिम मैन ऑफ 2020 किसको घोषित किया गया है? तो मुस्लिम मैन ऑफ 2020 घोषित किया गया है किसको? ये किया गया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को। देखिए जॉर्डन है, जॉर्डन का नाम आपने सुना होगा, जॉर्डन की, अरे नाम तो सुना होगा, है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जॉर्डन की जॉर्डन का जो है एक सेंटर है इस्लामिक स्टडी जॉर्डन का, तो इस्लामिक स्टडी सेंटर ने क्या घोषित कर दिया है कि 2020 के मतलब मुस्लिम मैन ऑफ 2020 कौन है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, ठीक है ना। अब ये जो इमरान खान हैं, इनको सबसे प्रेरक मुसलमानों की लिस्ट में भी नंबर 1 पे रखा गया है और ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या होगी जब उसकी ये पीएम है? तो कैपिटल होगी, क्या कैपिटल है भाई? इस्लामाबाद, ठीक है ना। और वहाँ का करेंसी क्या होगी पाकिस्तान की? पाकिस्तानी रुपया। और हमारे भारत, अपने देश भारत के और इस पाकिस्तान के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है वो क्या है? ये लाइन है रेड क्लिफ, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए। वैसे मैंने आपको बहुत सारी बताई हैं, अपने भारत पाकिस्तान की बीच की जो डिवाइडिंग लाइन है रेड क्लिफ, पाकिस्तान अफगानिस्तान की डूरंड लाइन, भारत चाइना के बीच मैकमोहन, और अपने देश और श्रीलंका के बीच ये कौन सा है, पाक स्टेट। और हाँ, तो मैंने आपको बहुत सारे नॉर्थ साउथ कोरिया के बीच बताया था 38 पैरेलल, यूएस और कनाडा के बीच 49 पैरेलल, और भारत और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डे केयर सह मनोरंजन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो डे केयर सह मनोरंजन का शुभारंभ हुआ है लेह में, है ना, लेह के बारे में आपको पता है ना, अब तो 3 यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, लद्दाख, जम्मू, है ना। और तो अब क्या है, मतलब अब जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट का दर्जा था वो तो समाप्त हो गया ना। इसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से करूँगी और आजकल में ही करने वाली हूँ कि अपनी गवर्नमेंट ने जो 370 को समाप्त किया है तो अब कितने कितने प्रदेशों में डिवाइड हो गया, क्या है सब कुछ। तो फिलहाल बताती हूँ, लेह में शुरू हुआ है डे केयर सह मनोरंजन। अब ये जो जस्टिस एस अब्दुल अजीज़ ने इस डे केयर सह मनोरंजन की शुरुआत की, और ये बुज़ुर्गों के लिए है, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, ओल्ड एज पर्सन्स, उनके लिए है, उनके लिए ये सेंटर बना। इसमें कंप्यूटर है, लाइब्रेरी है, और बहुत सारी मतलब इंटरटेनमेंट और नॉलेज वाली चीज़ें हैं। तो ये डे केयर सह मनोरंजन की शुरुआत कहाँ हुई है? ये हुई है कहाँ, लेह में है, ठीक है, लेह में हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा आमंत्रण की शुरुआत अभी किसने की है? तो गंगा आमंत्रण इस प्रोग्राम की शुरुआत, माफ कीजिए, वो एक कॉल की वजह से शायद आपको डिस्टर्ब
हो गया, वो कॉल मुझे लेनी पड़ी बीच में, ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो आई एम सो सॉरी। तो अब हम क्या कह रहे थे कि गंगा आमंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है, गंगा आमंत्रण प्रोग्राम। तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम के जल शक्ति मंत्रालय के जो मतलब मंत्री हैं, हमारे जल मंत्री, जल शक्ति मंत्री प्रेजेंट टाइम के कौन है, गजेंद्र सिंह शिखावत, गजेंद्र सिंह शिखावत हैं ये प्रेजेंट टाइम के जल शक्ति मंत्री। इन्होंने ही इस अभियान की, गंगा आमंत्रण प्रोग्राम या अभियान की शुरुआत की है। इसमें क्या है कि जो गंगा के मतलब हितधारक हैं, गंगा हित, उन सबको कनेक्ट किया जाएगा, है ना, और गंगा की इम्पोर्टेंस के बारे में, इसके जागरूकता को, अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों में इस प्रोग्राम का की शुरुआत की गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि भाई जो आर्सेनिक है, क्या है आर्सेनिक, गंगा में सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो लोग यूपी उत्तर प्रदेश पे टिक करके आ जाते हैं, लेकिन ये गलत है मेरे दोस्त। गलत क्या है दोस्तों, यूपी नहीं है, सबसे ज्यादा आर्सेनिक पाए जाते हैं गंगा में वेस्ट बंगाल में। कहाँ, वेस्ट बंगाल। जब भी क्वेश्चन आए कि गंगा में सबसे अधिक आर्सेनिक कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, याद कर लीजिए, यूपी को भूल जाइए इस मामले में कि आर्सेनिक यहाँ पे सबसे ज्यादा नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में इसरो इसरो ने अभी प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है, ये प्रोग्राम कौन सा है, इसका नाम है ध्रुव। क्या नाम है, ध्रुव। ये इसरो का प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम है जिसका नाम है ध्रुव, और इसी की शुरुआत की है। अब ये है क्या, तो जो सामाजिक 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 राजनीतिक और पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं, सामाजिक राजनीतिक पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं उन्हीं को, उन्हीं पर मतलब उन्हीं पर अपनी रोशनी डालने के लिए ये शुरू किया है इसरो ने प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम, यानी PMIL प्रोग्राम, इसका नाम है ध्रुव। किसने शुरू किया, इसरो। इसरो के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है, आपको याद होगा और बिल्कुल यकीन है मुझे इस बात का याद हो गया होगा। जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए तो, इसरो की स्थापना कब हुई, इसरो का सेंट जो हेडक्वार्टर है इसरो का वो कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, स्थापना कब हुई, जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसरो के अध्यक्ष कौन है वो बता देती हूँ, के सिवान। कौन है, के सिवान। तो जरा कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। तो ये था आज का मज़ेदार सेशन, कैसा रहा ये सेशन, कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसरो के बारे में भी ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा, इसमें आपका बहुत लॉस है अगर नहीं करते हैं तो, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, QCL को सब्सक्राइब करें और करवाएं भी विद प्रेस बेल आइकन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।